आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आईपीसी 306 के मामले के काफ़ी सारे जजमेंट हमने आपको शेयर किए हैं वीडियो के माध्यम से। मेरा प्रयास रहता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो भी लेटेस्ट जजमेंट हो आपसे मैं शेयर करूं। आज आपसे मैं एमपी हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिसके एम्प्लॉई ने उस ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगाया और सुसाइड कर लिया, लेकिन हाई कोर्ट ने जो ऑफिसर था उसको इस मामले में जो उसके खिलाफ जो FIR दर्ज थे उसको क्वेश कर दिया, रद्द कर दिया। आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे इस तरह के मामले आ रहे हैं कि कोई मैनेजर या फिर कोई उच्च दर्जे का जो अधिकारी होता है उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं कई बार वो परेशान होकर के सुसाइड कर लेते हैं और अधिकारी का नाम ले लेते हैं। इस चक्कर में अधिकारी जो होता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये भी केस कुछ ऐसा है, आप इस केस की कहानी समझेंगे, आपको मैं कहानी एक्सप्लेन करूँगा आगे इस वीडियो में, तो आप समझ पाएंगे कि किस किस प्रकार से जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या पैरामीटर्स बनाए हैं और क्या क्या बताया है कि आखिर 306 का मुकदमा किन परिस्थितियों में दर्ज होना चाहिए, और अगर दर्ज कर लिया गया है तो क्या कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट हैं जो कि फुलफिल होना चाहिए, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। तो आज हाँ, मैं इस जो जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, कई बार आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको पढ़ने को भी दिया जाए, तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। तो साथियों, आज जो आपसे मैं जजमेंट शेयर कर रहा हूँ ये विवेक दीक्षित वर्सेज स्टेट ऑफ MP के नाम से। इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि जो आरोपी है विवेक दीक्षित इस केस में, वो एक नोडल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे फायर डिपार्टमेंट में, और जैसा कि FIR में बताया गया है कि जो कर्मचारी सुसाइड करता है उसने आरोप लगाया कि वो उससे 2000 रुपये की मांग कर रहे थे, बोल रहे थे कि अगर तुमने 2000 रुपये डिपॉजिट नहीं किया तो बैटरी चोरी के आरोप में तुम्हें हम सस्पेंड कर देंगे। तो इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कहानी कुछ ऐसी हो कि ये जो जिसने सुसाइड किया है उसके खिलाफ ये आरोप लगाया जा रहा था कि तुमने बैटरी चुराई है, इसलिए उसके बदले में तुम 2000 रुपये डिपॉजिट करो अन्यथा तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। अब इसके बाद वो व्यक्ति सुसाइड करता है, सुसाइड करने के बाद इनका नाम लेता है, पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इसके बाद ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं किस लिए, FIR को रद्द कराने के लिए 482 CRPC के अंतर्गत। हाई कोर्ट इस मामले में जो FIR दर्ज है उसको रद्द कर दिया। अब रद्द करने की वजह जो थी वो थे सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस संदर्भ में जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो आपको जानना चाहिए अगर आपके खिलाफ भी 306 का मुकदमा दर्ज है तो, क्योंकि इन फैसलों में बताया गया है कि आखिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो IPC 306 की जो परिभाषा है तो उसमें जो अबेटमेंट है किसी व्यक्ति के खिलाफ जो दुष्प्रेषण है या फिर उसको कहिए जो उकसाते हैं, तो उसकी जो परिभाषा बताई गई है वो कुछ अलग है जो सामान्यतः हम समझते हैं, तो वो IPC 107 में बताया गया है। आप ये जजमेंट स्क्रीन पे देखिएगा, ये है साथियों प्रवीण प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल के नाम से है, और इस केस में ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जब कोई बात कही जाती है तो अगर कोई बात गुस्से में कही गई है तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो उसको इंस्टिगेट कर रहा है। कई बार गुस्से में या फीट में आदमी व्यक्ति बोल देता है भावनाओं में आकर के, जिसका कि उद्देश्य वो नहीं होता है कि वो मजबूर कर रहा है उसको सुसाइड करने के लिए, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसी बात बोली गई तो उसको इंस्टिगेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको नहीं कहा जाएगा उसने वो उकसाया है। दूसरा एक जजमेंट इसी प्रकार से है, ये है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से। इस केस की ये केस भी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था, और इस केस की शॉर्ट में कहानी ये थी कि इस केस में जो पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है और उनके बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, घटना वाले दिन भी लड़ाई होती है और पत्नी सुसाइड कर लेती है, केरोसिन छिड़क लेती है अपने ऊपर और जल जाती है। तो इस केस में डाइन डिक्लेरेशन भी रिकॉर्ड किया गया था मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पत्नी ने बताया कि उसकी हमेशा पति से लड़ाई होती थी और घटना वाले दिन उसके पति ने उससे कहा कि तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो करना है वो करो, तो इसलिए गुस्से में आकर के उसने ये कदम उठाया और उसने आग लगा लिया और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुस्से में कही गई किसी बात का ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि यहाँ पे उसने उसको मजबूर किया सुसाइड करने के लिए। दूसरी बात ये थी कि इस केस में जैसा कि इस केस में हुआ था कि कई बार ऐसा होता है कुछ लोग होते हैं जो मानसिक परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, उनका जो बैलेंस है और मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं होता है, कई बार वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी का चिड़चिड़ापन, किसी का ऐसा स्वभाव है
तो ये अंदाजा नहीं लगा लेना चाहिए कि आरोपी ने यहाँ पे उसको उकसाया होगा इसलिए उसने सुसाइड किया है। यहाँ पे इस फैक्ट का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आपको इस बात का फायदा मिल सकता है जहाँ की इस तरह के मामले हैं, जहाँ की आरोपी जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति खुद के जीवन से बेहद परेशान रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव का है, या फिर खुद उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, खुद जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये नहीं कह सकता है कि आरोपी ने उसको उकसाया होगा। और इसी आधार पे हाई कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट को साइट करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपसे जो जजमेंट हमने शेयर किया आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल लिख सकते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं, कई बार होता है मुझे समय लगता है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जब भी उसको देखूँ तो आपका रिप्लाई करूँगा उसका। धन्यवाद साथी।